नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूँ कि DSSSB के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी एक्सपर्ट टीम जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। हमारे पास स्पेशल के भी नोट्स अवेलेबल है 21 डिसेबिलिटीज़ के साथ दोनों मीडियम्स में, और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हम प्रोवाइड करते हैं। ओनली 300 रुपीज़ से स्टार्ट है और अदर 200 रुपीज़ से स्टार्ट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं नोट्स के बारे में। तो साथियों, अभी जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्पेशल वाली जो वैकेंसीज है प्राइमरी वाली, तो उसके लिए आपको पता है कि जैसे TGT वाली वैकेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जो स्पेशल वाली प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसीज हैं वो नहीं आई है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी थी अग्रवाल सर से, इसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स भी अग्रवाल सर से मिलने गए थे लास्ट टाइम। हालांकि जो कोर्ट में तारीख लगी थी वो पहले बहुत लंबी लगी थी, लेकिन वो एक बहुत लंबा टाइम था। तो इस बीच बच्चों ने भी डिमांड करी कि सर इसके बीच में कुछ किया जाए, तो सर ने पेटीशन डाली थी। पेटीशन के बाद जो कल हुआ, मतलब 25 तारीख को जो हुआ वो काफ़ी अच्छा है स्पेशल वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो 25 तारीख को क्या हुआ है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हालांकि अगर आपको पता चल गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 25 तारीख को क्या हुआ है, जस्टिस नजमी वाजरी दिल्ली हाई कोर्ट टुडे पुल्ड अप SDMC फॉर बीइंग कॉलेज एंड इम्पोज्ड कॉस्ट ऑफ 25,000 फॉर नोट सेंडिंग रिक्वेसिशन टू DSSSB ऑफ 1132 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। ऑनरेबल जज डायरेक्टेड पर्सनल प्रेजेंस ऑफ SDMC कमिश्नर इफ रिक्वेसिशन इज नॉट सेंड इन 2 वीक्स। तो साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मेरी अग्रवाल सर से भी पर्सनल बात हुई है वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि सारी बातें डिस्कस करने की नहीं होती। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो अग्रवाल सर ने बताया कि जो कोर्ट है या जो जज हैं उन्होंने जो DSSSB की काफ़ी खिंचाई करी इस मामले में कि आप वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे। और यहाँ पे अगर आप देखें जो 25,000 रुपये का फाइन लगाया है, 25,000 रुपये का जो जुर्माना लगाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बात 25,000 रुपये की नहीं है, बात ये कि उन पर पेनल्टी लगाई है, और पेनल्टी लगाने का मतलब है यहाँ पे फिर उनको बोला है कि आपको 2 हफ्ते के अंदर ये वैकेंसीज रिक्विजिशन है ये भेजनी है, और इसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है, मतलब 2 हफ्ते के अंदर नहीं होता है, तो फिर और एक्शन लिया जाएगा इस पर। जैसा आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरा सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अग्रवाल सर से जो मेरी बात हुई तो अग्रवाल सर ने कहा है कि उम्मीद तो ये है कि ये शायद और जल्दी काम हो जाए जो स्पेशल का है। और इसके रिगार्डिंग मैं अग्रवाल सर से एक बार पर्सनली बात भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड आ रही थी कि एक बार सर से बात करके और रिकॉर्डिंग एक बार डाली जाए। तो मैं आज या कल में ज़रूर बात करके रिकॉर्डिंग डालूंगा और आप लोग उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात रही, और उम्मीद तो यह है कि जल्द काम हो जाए, और फिर भी देखते हैं क्या होता है। और जुर्माना लगाया गया यहाँ पे वैकेंसीज नहीं भेजने पे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और नोट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, और किसी पर कोई फोर्स नहीं है। सो थैंक यू, जय हिंद।